किसी भी देश के प्रधानमंत्री चाहे वो देश में दौरा करें या फिर विदेश में, उनका पूरा लाव लश्कर साथ साथ चलता है। वहीं किसी भी देश के प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी बेहद पुख्ता होती है। पीएम के काफिले में बुलेट प्रूफ गाड़ियां भी होती हैं। लेकिन इन सब तामझाम से जुदा है नीदरलैंड के पीएम, जो बिना किसी सुरक्षा अधिकारी के अपनी साइकिल से ही सड़कों पर निकलते हैं। जी हाँ, नीदरलैंड के पीएम मार्क रूते बिना किसी सुरक्षा के साइकिल से ही सफ़र करते हैं। उनकी एक फ़ोटो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई थी, जिसमें वो रॉयल पैलेस के पास साइकिल का स्टैंड लगाते दिख रहे हैं। बताया जा रहा है कि पीएम मार्क देश के राजा विलियम अलेक्जेंडर से मिलने आए हुए थे। साइकिल की सवारी करने वाले प्रधानमंत्री रूते लगातार 2010 से ही नीदरलैंड के शासनाध्यक्ष हैं। पीएम के इस कदम को पर्यावरण की दिशा में बेहतर कदम बताया जा रहा है। दरअसल पर्यावरण के क्षेत्र में काम कर रहे समूहों ने कहा है कि एम्स्टर्डम के कई इलाकों में हवा की गुणवत्ता बेहद खराब है। एम्स्टर्डम की हवा में नाइट्रोजन ऑक्साइड की मात्रा बहुत ज़्यादा है। प्रदूषण के स्तर में खतरनाक बढ़ोतरी से स्थानीय लोग बेहद परेशान थे, जिसके कारण पीएम मार्क ने खुद साइकिल से चलने का फैसला किया। वैसे नीदरलैंड के प्रधानमंत्री का साइकिल प्रेम कोई नया नहीं है। बीते साल जून में जब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 देशों की यात्रा के दौरान नीदरलैंड पहुँचे, तो उन्हें पीएम मार्क रूते ने उस समय उन्हें भी एक साइकिल उपहार स्वरूप भेंट की थी।